मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मैं भारत के शास्त्रों को पिछले कुछ वर्षों से पढ़ना शुरू किया है, तो भारत में एक बड़ी सुंदर व्याख्या है शास्त्रों में, ये बहुत विस्तार से कहा गया। मैं शॉर्ट में बोलता हूँ कि भारत में हर व्यक्ति ने जिससे जन्म लिया है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, तो आप कहेंगे मोक्ष की प्राप्ति। हर व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जो भी हम कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे हम धंधा करें, चाहे धर्म करें, उपासना करें, व्रत करें, पर्व मनाएं, त्योहार मनाएं, ये सब कुछ हमें मोक्ष की तरफ लेके जाए, ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ये मुख्य है हमारे लक्ष्य, मोक्ष की प्राप्ति। बहुत दिन में घूमता रहा तो मोक्ष मिलता कैसे? कई दिन मुझे ऐसा लगा कि किसी को गुरु बना दो तो गुरु शायद मोक्ष में लेके जाएगा। फिर एक दिन लगा कि नहीं, अगर गुरु मुझे मोक्ष में ले जा सकता तो गुरु खुद जाएगा। फिर मैंने सोचा बहुत धर्म करो, बहुत कर्म करो, पवित्रता लाओ दिल में, जीवन में शायद उससे मोक्ष हो जाएगा। भटकते भटकते एक दिन मुझे एक सूत्र मिला, वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और भगवान कृष्ण के पहले राम जी ने लक्ष्मण को कहा, और शायद राम के पहले कोई नहीं हो तो उन्होंने किसी को कहा। समानांतर सतत हजारों साल से वो सूत्र चला आया कि मोक्ष किसको मिलता है, मोक्ष मिलने की एक ही कंडीशन है, वो सब अपने जीवन में कर सकते हैं, कि जो व्यक्ति त्रिविध दुखों से मुक्त तो होता है। आप जानते हैं हमारे देश में तीन दुख माने गए, हमारी सभ्यता में तीन दुख है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख माने शरीर का दुख, शरीर का दुख माने सिर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, डायबिटीज हो गई, अर्थराइटिस हो गई, कैंसर हो गया, ये सब दैहिक दुख है। और एक दैविक दुख माने भगवान का लिया हुआ, बिहार में बाढ़ आ गई, ये दैविक दुख है, कहीं पर भूकंप आ गया, दैविक दुख। और तीसरा है भौतिक, भौतिक दुख माने खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, ये भौतिक दुख। तो भारतीय शास्त्रों में कहा गया कि जो व्यक्ति तीन दुखों से मुक्त हो, दैहिक, दैविक और भौतिक, और वही व्यक्ति दूसरों को इन तीनों दुखों से मुक्त कराने का काम करे तो मोक्ष जाने का अधिकारी है। ये है हमारे देश की परिभाषा। जो व्यक्ति दैहिक, दैविक और भौतिक तीन दुखों से मुक्त है, वही व्यक्ति दूसरों को इन तीनों दुखों से मुक्त कराने का प्रयास करे तो वो मोक्ष जाता है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों से तो मुक्त हो गया, लेकिन दूसरों को मुक्त कराने के लिए कुछ नहीं कर रहा तो मोक्ष नहीं होता। माने आप अकेले अपने सब दुख दूर करिए, दूसरों का करने के लिए कुछ नहीं किए तो मोक्ष नहीं होता। तो पहले अपना दूर करें, फिर दूसरों के दुख दूर करें, तो जाके मोक्ष होता है। इसलिए हम सब इस ज्ञान को मोक्ष के लिए ज्ञान है ऐसा मानकर इसको ध्यान रखें। जो ज्ञान हमें मिलेगा अगले 10-11 दिनों में, वो हमें तीनों दुखों से मुक्त कराएगा और दूसरों को मुक्त कराने के लिए हमारे मन में प्रेरणा देगा, तो शायद हम सब भी मोक्ष जाने की अधिकारी हो जाएंगे।